बारान स्पोर्ट्स क्लब के इस ग्राउंड पर दो रोजा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आज दूसरा दिन, दूसरे दिन का जल्दी का आखिरी मैच है। और मैं आपको बता दूं कि जो सेमीफाइनल की चार टीमें हैं, 2-0 का स्कोर, सेमीफाइनल के लिए बिल्कुल तैयार हैं दोनों टीमें। बहुत ही शानदार तरीके से मिस्टर अल्टमेट ने डेड ब्लॉक, जिसको बोलते हैं डेड ब्लॉक की चकल में सर्विस चेंज की अपनी टीम के लिए। 0-2 का स्कोर, सर्विस पे मिस्टर नुमैर सर्विस के लिए तैयार, बुमराह स्पोर्ट्स क्लब। अच्छी सर्विस, बाल को संभाला चौबे ने और ये लेफ्ट हैंडर अगेन चेंज सर्विस पे रेड क्लब मोहम्मदपुर मिस्टर चौबे। अच्छी सर्विस, नुमैर ने बाल को संभाला और ये अंतम अस्त्र आजमाया गया। सर्विस अंदर ने ट्राई कर गए जेट क्लब मोहम्मदपुर के प्लेयर, सर्विस के लिए तैयार मिस्टर नुमैर मुमराह स्पोर्ट्स क्लब। अच्छी सर्विस नुमैर की और ये निजी पॉइंट उनको मिला सर्विस के जरिए से, 1-3 का स्कोर, 1-3 सर्विस के लिए तैयार मिस्टर नुमैर, 1-3 का स्कोर। और ये अंडर ने ट्राई कर गए, 3-1। बारान स्पोर्ट्स क्लब इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत ही जद्दोजहद, बहुत ही मेहनत, पूरी कमेटी, पूरी टीम दिलो जान से लगी हुई है इस मैच को कामयाब बनाने के लिए। और इंशाल्लाह मैच धीरे धीरे अपनी कामयाबी की तरफ रवाना दवा है। सेमीफाइनल की जो चार टीमें हैं, जिसमें दो टीमों का अभी मुकाबला, इसके बाद पहला सेमीफाइनल होना है। अल्दुकान ट्रावल्स अशरफपुर, जिसके प्लेयरों के नाम आप सबको बता दूं, मिस्टर दीपक क्रियान, रोबिन बालियान, मिस्टर शाहरुख, मैं देख रहा हूं जुबेर भाई काफी खुश अपनी टीम के प्रदर्शन पे, साथ में जया भाई इसरार प्रधान काफी खुशी का इजहार कर रहे हैं। 6-1 का स्कोर, और चौबे कंटिन्यू सर्विस के पॉइंट बनाते हुए इन दोनों टीमों का मुकाबला होगा। और मैं देख रहा हूं अब्दुल सलाम साहब चहलकदमी करते हुए। अब्दुल सलाम साहब को मैं बता दूं, इनकी टीम एचके इंटरप्राइजेस कल मैच भले ही हार गई, मगर दर्शकों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत ही अच्छा मुकाबला हुआ था अब्दुल सलाम साहब, और आपकी अच्छी टीम बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए आपने काफी मेहनत की है। स्टेज पर बैठे हुए तमाम मेहमान जो दूर दराज से आए हुए हैं, बारान स्पोर्ट्स क्लब की कमेटी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है, खैर मकदम करती है। आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके बारान स्पोर्ट्स क्लब की इस
कमेटी को, इस टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा कमेटी के लोगों से कि आप लोग गेट पर चले जाएं। हमारा एक बहुत अब्दुल अजीज साथी एहतसाम खान पप्पू बहुत ही मोहतबर शख्स है, आप उनका इस्तकबाल करने के लिए गेट पर चले जाएं और पूरे आनबान शान और पूरे पूरी इज्जत के साथ उनके ग्राउंड में तशरीफ ले जाएं। कमेटी के जिम्मेदारान फौरन जाए। थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ एक हफ्ते से आप लोग मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यकीन जाने जब मेहमान दवा के साथ साथ दुआ व्यक्त करेगा तो आपकी थकावट दूर हो जाएगी। आप बिल्कुल जाए, जरूर जाए। हमारे दरमियान हमारे मेहमान एहतसाम खान पप्पू भाई तशरीफ ला रहे हैं, बारानी स्पोर्ट्स क्लब की कमेटी, बारानी स्पोर्ट्स क्लब के जिम्मेदारान यकीन जाने अर्षद भाई, बहुत ही मोहतरम नाम है एहतसाम खान और पप्पू का, फरहान साहब का, और इसी तरीके से हम सबके चेहरे आली जनाब अब्दुल करीम खान साहब उत्तरभारती महासंघ के सद, और एक बहुत खूबसूरत नाम जो हमको लग रहा है कि 14 साल की लाइफ में पहली बार हमारे ग्राउंड में एहतसाम सत्तू साहब का जोरदार इस्तकबाल है। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, यकीनन बहुत बहुत मशहूर जिंदगी है आपकी, लेकिन फरहान स्पोर्ट के एसोसिएशन के दावत पर आपने लब्बैक कहा। आप आपके मिली समाजी दीदी दीगर कई तंजीमों के जो सरबराह है, जिम्मेदार है, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन जाने बड़ी खुशी की बात है कि 14 साल हम लोग बहुत रहे मोहतरम शख्स के लिए, लेकिन आज हसमत साहब के दावत पर और हम लोग कमेटी के लोग गए और मुलाकात की, यकीन में बहुत खुशी पाई बात की जनाब अकरम साहब और कहा कि मैं तनबंधन के साथ फरहान स्पोर्ट के साथ खड़ा रहूंगा, और आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार मुकाबला हो रहा है दोनों टीमों के दरमियान। जेट क्लब मोहम्मदपुर वर्सेज मुमरा स्पोर्ट्स क्लब मुमरा, और मैं देख रहा हूँ शाहिद भाई अलकायद इंटरप्राइजेस के ओनर काफी मेहनत काफी जद्दोजहद कर रहे हैं अपने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए। बहुत ही अच्छी सर्विस मिस्टर नुमैर की, और ये काउंटर को आजमाया गया, बहुत ही शानदार तरीके से बाल को डाउन किया। आप तीन का स्कोर 8-3। साबिर भाई दोनों टीमों को बिल्कुल तैयार कर दीजिए, क्योंकि हमारे दर्शक जो है बिल्कुल तैयार है। पहला सेमीफाइनल जो होगा बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छी टीमें हैं दोनों जिनका मुकाबला होना है। अलरुकान ट्रैवल्स अशरफपुर वर्सेज उस्मानीवाल, जिसमें नासिक आर्मी के टीम है, जो प्लेयर्स हैं जितने भी प्लेयर्स हैं जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बहुत ही शानदार अच्छी सर्विस, और ये अंदर में ट्राई कर गए मिस्टर अरफात मुमरा स्पोर्ट्स क्लब के प्लेयर। सर्विस के लिए तैयार मिस्टर चौबे, सर्विस अगर मार गए आसान सा चेंज, 3-10 का स्कोर 3-10। गुड्डू भाई तशरीफ ला चुके हैं बारानी स्पोर्ट्स क्लब के इस ग्राउंड पर, बारानी स्पोर्ट्स क्लब की कमेटी आप लोग खैर मकदम करती है। सर्विस अंडर नेट मिस्टर नुमैर की 10-3 का स्कोर। सेमीफाइनल में जो 4 टीमें हैं बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच इफ्तिखार साहब तशरीफ ला चुके हैं, मोहम्मद अतहर सलफी के हरदिल अजीज दोस्त भी हैं, तो 20 शख्स हैं, वक्त निकालना इनके लिए मुश्किल है, लेकिन फरहान की दावत पर आप तशरीफ ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब 3 का स्कोर
सेमीफाइनल में आप सबको पता है कि चार टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं। जो दो मुकाबला खेला जाएगा, अल रुकान ट्रैवल्स अफरतपुर, हाजी कमरुद्दीन साहब दानिश खान और शाहिद भाई की टीम, फैजान आजमी साहब की टीम, उनका मुकाबला होगा उस्मानी वाल इम्तियाज खान उस्मानी साहब की टीम से। दोनों ही बहुत ही कांटे का मुकाबला होगा। हमारे दरमियान अख्तर भाई और मुन्नू भाई तशरीफ ला चुके हैं। बारानी स्पोर्ट्स क्लब में आपका खैर मकदम है और स्टेज पर बैठे हुए हमारे तमाम ही मेहमान एहतेशाम खान पप्पू भाई अपने इस टूर्नामेंट को, बारानी स्पोर्ट्स क्लब के इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। बारानी स्पोर्ट्स क्लब की कमेटी बहुत ही मसर्रत, बहुत ही खुशी का इजहार कर रही है आपके आगमन से। पप्पू भाई, आप बारानी स्पोर्ट्स क्लब को कामयाब बनाने के लिए यहां पर आए, बारानी स्पोर्ट्स क्लब की कमेटी आपका शुक्रिया अदा करती है। हमारे नेता करीम खान साहब, उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष, पूरा दिलो जान लगा करके, कल से मैं देख रहा हूं शायद कल रात में सोए भी नहीं थे, पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं इस मैच को कामयाब बनाने के लिए। और बारानी स्पोर्ट्स क्लब की पूरी कमेटी, जिसमें मैं बता दूं अब्दुल नूर मोहम्मदी साहब, मोहम्मद जफर मोहम्मदी साहब, मोहम्मद अतहर सलफी, फजलुर रहमान, फैजानुल्ला फैजी, मुजीब मक्की साहब, मोहम्मद अफजल सलफी, अफ्ताब आलम, शफीकुर रहमान, बब्बन भाई, अब्दुल सलाम मोहम्मदी, शहजाद खान, मोहम्मद दाऊद, हिजुर रहमान, मोहम्मद इकरामुद्दीन, मोहम्मद शाहिद साहब, बहुत लंबी फहरिस्त है इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए। बहुत ही मेहनत, बहुत ही जहरत। मैं अब्दुल नूर अतहर से गुजारिश कर, अब्दुल नूर नमलू सदर पारानी स्पोर्ट्स से गुजारिश कर रहा हूँ कि कमेंट्री बॉक्स के पीछे आ जाओ। अब्दुल नूर मोहम्मदी से गुजारिश है कि वो कमेंटेटर बॉक्स के पीछे आ जाओ। बहुत ही अच्छे तरीके से बाल को डाउन किया मुमरा स्पोर्ट्स क्लब के प्लेयर ने। 411 का स्कोर। और दूसरा जो सेमीफाइनल, मैं अभी से ऐलान कर दूं, आज भी स्पोर्ट्स क्लब सेमीफाइनल में जिनसे मुकाबला होगा, ये ग्राउंड पर जो जेड क्लब मोहम्मदपुर की टीम खेल रही है, दूसरा मुकाबला आजमी स्पोर्ट्स क्लब आजमगढ़ का जेड क्लब मोहम्मदपुर, मैं श्योर कह सकता हूं कि ये टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। इनसे ही दूसरा मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल ये दोनों टीमों के दरमियान होगा। 11-4, जबकि दोनों टीमें एक एक ही मैच जीती हैं। 12-4 का स्कोर। सर्विस कंटिन्यू, सर्विस के लिए तैयार मिस्टर चौबे, अच्छी सर्विस। अल्तमस ने बाल को संभाला। बहुत ही चतुराई से बाल को मुमरा स्पोर्ट्स क्लब के कोर्ट में डाउन किया। और मैं बता दूं, आजमगढ़ से चलकर आए हमारे मेहमान डॉक्टर आरिफ साहब बहुत ही शौकीन है, कल रात में सिर्फ इस टूर्नामेंट को देखने के लिए, इस मैच को देखने के लिए कल फ्लाइट से आए हैं बारानी स्पोर्ट्स क्लब के इस ग्राउंड पर। बारानी स्पोर्ट्स क्लब की कमेटी आपका खैर मकदम करती है। डॉक्टर आरिफ साहब बिना पारा और मामा से कहूंगा कि एहतेशाम भाई, पप्पू भाई आ गए हैं और आजमी क्लब का दूसरा मैच सेमीफाइनल होने वाला है, तो टाइम वगैरह पप्पू भाई से समझ लिए, पूरा वक्त निकाल करके आए हैं कि नहीं है, क्योंकि इस मैच को कामयाब बनाना है इंशाल्लाह। दोनों ही जो चार टीमें सेमीफाइनल में जा चुकी हैं, चौथी जाने वाली है, मगर मैं श्योर हूं कि वही जाएगी।
और हाजी कमरुद्दीन साहब भी मैं देख रहा हूँ काफी खुश हैं और खुश होना भी चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी टीम को सजाया और संवारा है। बहुत ही शानदार प्लेयर उनकी टीम में। और मैं देख रहा हूँ भिवंडी से चल कर आए हुए हमारे मेहमान अच्छन भाई, सुहेल भाई, फलाई स्पोर्ट्स क्लब की टीम है, मगर फलाई साहब नहीं दिख रहे हैं, लगता है कहीं मसरूफ हैं। और ये मिस्टर अल्तम चार तेरह का स्कोर सर्विस के लिए तैयार, मुमरा स्पोर्ट्स क्लब के प्लेयर 4-13 फारान स्पोर्ट्स क्लब ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट, दो रोजा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का जो इनेकाद किया गया, आज दूसरे दिन का ये लीग का आखिरी मैच है, इसके बाद सेमीफाइनल होना है। और उस सेमीफाइनल में जो चार टीमें हैं बहुत ही शानदार टीमें हैं, आप लोग अपनी जरूरियात से फारिग होकर के बैठ जाए, शायद फिर आपको बहुत देर तक कुर्सी से आपको हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही शानदार मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। बाल को तुम्हारा मुमरा स्पोर्ट्स क्लब के प्लेयर ने और ये काउंटर बाल को संभालना चाह रहे थे मुमरा स्पोर्ट्स क्लब के प्लेयर 13-4 का स्कोर सर्विस के लिए तैयार मिस्टर आसिफ अंकोला। और ये जहां पे उभरे थे वहीं गवा दिए गए। और कैप्टन रेडी 14-4 आउट है। अंपायर के फैसले का इंतजार। बाल राइट 4-14 का स्कोर। पप्पू भाई ने कहा कि बाल राइट है, शायद यहाँ पे लाइनमैन का भी इशारा राइट का ही था। बारान स्पोर्ट्स क्लब के जो भी लाइनमैन हैं, स्कोरर हैं, काफी जद्दोजहद, काफी मेहनत कर रहे हैं। या आप सबकी मेहनतों से मैच को कामयाब बनाया जा सकता है। आपका पूरा सपोर्ट, पूरा सहयोग होता है तभी टूर्नामेंट कामयाब होता है। और ये नुमर बाल हाथों को चूमती हुई मिस्टर चौधरी के ग्राउंड से बाहर, बहुत देर के बाद एक पॉइंट का इजाफा हुआ 6-14 से 14 का स्कोर। हौसला अभी बाकी है 6-14 का स्कोर। अच्छी सर्विस, अच्छा रिसीव और ये काउंटर बहुत ही हल्के हाथों से कुछ किया। बुमरा स्पोर्ट्स क्लब के प्लेयर चकमा खा गए। 14-6 का स्कोर। और इस तरीके से पहला सेट रेड क्लब मोहम्मदपुर ने अपने नाम किया 15-6 पे। लीग का ये आखिरी मैच, इसके बाद पहला सेमीफाइनल।